दोस्तों हम है उल्लास नगर दर्पण न्यूज के चैनल में। हम है एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जी के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ उठते बैठते हैं। हम मिलते हैं मेघना पटेल फ्रॉम सूरत से। नमस्ते मेघना जी। जी कैलाश जी नमस्कार। पहले तो आप बोले बहुत बड़े, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, बस भगवान ने बनाई हुई एक इंसान हूँ और अपना सफर काट रही हूँ और जितना हो सके उतना अच्छे कार्य करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी हम सब इंसान हैं, सब इक्वल होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है मैडम, आपने काफी चीजों को पार करके अपने पॉलिटिक्स का करियर में आए, उसके बाद बड़े लोगों के साथ आपने एक अच्छे कार्य भी किए, उसके बाद अभी एक दूसरा जो सेकेंड इनिंग हम बोल सकते हैं या 2.2 बोल सकते हैं, आप बहुत ही लो प्रोफाइल रह रहे हैं। आप बहुत ही बच्चों को उनको प्यार दे रहे हैं, जो भी फिजिकली अनफिट लोग हैं या हैंडीकैप है या कोई देख नहीं सकता, जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे हमको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप उनको अपना बच्चा समझते हैं, लेकिन हमको दोस्तों बताना बहुत जरूरी है कि इनको एक अलग से प्यार है उन बच्चों के लिए जो फिजिकली फिट नहीं है, उनके बारे में मैडम आप क्या दो शब्द बोलना चाहेंगे? कैलाश जी पहले एक बात तो बताऊं कि मैं भी बहुत सिंपल और साधारण परिवार से आ रही थी। मैं जब बच्ची थी तब मेरे पास खुद का घर भी नहीं था। मेरे पापा के मामा ने हमें रहने के लिए घर दिया था, हमारे घर पे स्टोव था और मैं भी बहुत सिंपल और साधारण परिवार से आई। लेकिन भगवान ने कुछ लोगों को निमित्त चुना होता है, शायद मैं ये सब चीज़ों के लिए एक निमित्त बनी। तो पहले भगवान ने मुझे पॉलिटिक्स में जोड़ा, बिजनेस में जोड़ा, मैं मल्टी बिजनेस में जुड़ी हुई हूँ। मेरा मेन बिजनेस जमीन का है, लैंड का है। तो ऐसे बिजनेस में जुड़ते जुड़ते दिमाग भी स्ट्रांग होता गया, लोगों को परिचयों में भी आते गए, ये लोगों को देखते गए और लोगों के दुख दर्द को मैं जानने लगी, पहचानने लगी, क्योंकि वो दुख और दर्द से मैं पसार हो चुकी हूँ, है ना। तो एक परिवार को जो एक होता है कि हम भीख मांग ले, पर जो एक परिवार होता है मिडिल क्लास, जो भीख भी नहीं मांग सकता है और उसको समाज के बीच में एक स्टेटस के हिसाब से रहना होता है, तब वो परिवार अंदर से इतना दुखी होता है, ना वो बोल पाता है ना वो सह पाता है। तो ऐसे परिवारों को मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद वो परिवार से आई हूँ और भगवान की दया से इतने हम आगे बढ़े। कहीं मुझे भी एक टाइम पे ईगो भी आ गया था, आई एम समथिंग हो गया था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं ये गलत है, भगवान ने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैं किसी और का भी भला कर सकूं और मैं निमित्त बनूं। तो फिर मैंने वापस अपने आप में टर्न लिया। अभी मैं पॉलिटिक्स नहीं करती हूं पर सोशल वर्क बहुत करती हूं, करने की कोशिश कर रही हूं, कर तो नहीं रही हूं, करने की कोशिश कर रही हूं। उसमें खास करके हम मेंटली डिसेबल बच्चे, क्योंकि वो एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव तो होते हैं, उसके अलावा उनको टॉयलेट बाथरूम जाने का भी सेंस नहीं होता, बोल नहीं पाते, अपनी बात व्यथा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन उनके दिल बहुत क्लीन होते हैं, उनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, वो भगवान का स्वरूप ही होते हैं। तो ऐसे बच्चे, चलो माँ बाप है जीवित तो कैसे भी करके अपने बच्चों को स्कूल तक भी पहुँचाते हैं, लेकिन वो 30 साल के होंगे और उनके माँ बाप नहीं रहे तो उनको देख रेख करने के लिए कौन है, और हर एक बच्चे को हर कोई नहीं संभाल सकता है, और मैं भी शायद हूँ आज, कल नहीं भी रही, तो वो बच्चों का क्या। तो हम लोग उस पर एक अभियान चला रहे हैं कि उनको सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं, तो उनको वो लोग है ना एक ही रिदम में काम कर सकते हैं। आप उनको दिया बनाना सिखाओगे तो ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे ही करते रहेंगे पूरा दिन, आप 8 आवर्स में थक जाओगे, वो 12-15 घंटा कर सकते हैं कंटिन्यू वर्क, तो उतने एग्रेसिव होते वो, उनमें एक अलग एनर्जी होती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग ने सोचा कि इनमें एनर्जी भी है और वो कर भी सकते हैं, तो उनको अपने सेल्फ डिपेंड बनाने की हम एक कोशिश, एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने किसी मटेरियल वाले से बात की, उसको बोला कि तेरा रॉ मटेरियल तू देना, उसका पेमेंट हम तुझे दे दें, उसके लिए जो जो मटेरियल मतलब कि एसेसरीज चाहिए बनाने के लिए, कुछ पीछे चाहिए, गम चाहिए, रॉ मटेरियल्स और मशीनरी भी चाहिए कुछ, तो वो भी हमने हमारी ध्रुवम फाउंडेशन करके मेरा एक NGO है उसके माध्यम से हमने वो भी प्रोवाइड करवाया, और उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ना मैं कोई दान ले रही हूँ अभी, ना कोई किसी से मांग रही हूँ, सिर्फ सेल्फ सपोर्ट से जितना हो सके उतनी कोशिश कर रही हूँ कि ये सब देके वो लोग कुछ बनाए, टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं और वो सब बच्चे कुछ बनाए, कुछ सीखे, तो अगले 5-10 साल के बाद जब भी उनको जरूरत हो, उनके आगे पीछे कोई ना हो, तब वो पैसे उनके अकाउंट में पड़े हो और उनके सबके अकाउंट भी खुलवाए,
बाकी ये बच्चों के अकाउंट जल्दी नहीं खुलते, लेकिन हमने वो भी रिक्वेस्ट करके बैंक वालों से टाइप करके उनके अकाउंट भी खुलवाए और वो प्रॉफिट के पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाते हैं, जिससे वो पिछली लाइफ अच्छे से जी पाए, जब उनके माँ बाप ना हो या हमारे नॉर्मल भी भाई बहन होते हैं। आप समझ सकते हो कि हम, चलो मैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं तो मेरा भाई एक बार आएगा, दो बार आएगा, चार बार आएगा, फिर कंटिन्यू कोई ध्यान नहीं रख पाता है ये जमाने में, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हो गई हमारी, ठीक है। तो वो टाइम पे हमारे पास पैसा होता है तो हम हमारी केयर कर सकते हैं, हम हमारा दवा दारू एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये बच्चों को भी अब पिछली लाइफ में अपनी केयर कर पाए, दवा दारू एडजस्ट कर पाए, उनकी प्रॉपर मतलब टैबलेट या दवाइयाँ हो पाए, उसके लिए हमने सेल्फ डिपेंड बनाने का ये एक प्रोजेक्ट में अभियान चला रहे हैं। तो बस मैं भी सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जीवन का, सिर्फ पैसे देने से सेवा नहीं होती, पर हमारे जीवन का एक घंटा वक्त भी निकाल के ऐसे बच्चों के साथ, ये बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको क्या होगा पता है? आप ऐसा मत समझिए कि मैं ये बच्चों के लिए जा रहा हूँ, मैं, आप जाओगे ना आपको कितनी भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आप अपने डिप्रेशन भूल जाओगे, क्योंकि ये बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होते हुए भी ये लोग इतने हैप्पी और इतने इमोशनली और इतना अटैच वाले रहते हैं ना कि आपको, आपके दुख सुख सब आपको ऐसे लगे कि हम लोग के पास तो सब कुछ है, दिमाग है, हाथ पाँव मजबूत है, पैसे तो कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन बच्चों के पास नहीं है तो भी ये कितने खुश रह पा रहे हैं। तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। अभी की ये फास्ट लाइफ में आपको भी पता है कि हर कोई कहीं ना कहीं छोटे बड़े डिप्रेशन में आ ही जाता है, कभी ना कभी लाइफ में वो फेस आता है। तभी मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे बच्चों के पास जाओ, उनके टाइम, उसके, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको एक अलग अनुभूति होगी, आपको ऐसे लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यह कलयुग के टाइम में भी आपको एक स्वर्ग का अनुभूति होगा। तो मैं आप सबको वही रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर से एक बार आप जाना, ज्यादा नहीं तो एक महीने में एक दो घंटा टाइम निकाल के, और हो सके तो अपने परिवार, अपने बच्चों को भी लेके जाओ, तो उनको भी पता चलेगा कि हम भी बच्चे, ये भी बच्चे, ये बच्चे ऐसे होते हुए भी अगर स्ट्रगल करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे तो भी पढ़ना चालू करेंगे, नहीं हमारे पास तो सब कुछ है, दिमाग है, हमारे माँ बाप इतने पैसे दे रहे, इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, दूसरा ये था मैडम कि एक कंट्रोवर्शियल सवाल है कि लोग आपको बहुत ही गुस्सेल बोलते हैं, जिद्दी बोलते हैं, और उसके बाद फिर ये इतना चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं, ये जो दो फेजेस वाली लाइफ आपने जी थी उसके पीछे जो चेंजेस था उसका राज क्या है? वही कैलाश जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो मैं बहुत सामान्य परिवार से आई थी, जब हमें कुछ करना होता है तो हमें उसके लिए जिद्दीपना रखना पड़ता है, तब भी वो काम हम सक्सेस कर पाते हैं, और वो मैंने सक्सेस किए। हाँ, काफ़ी लोग मुझे जिद्दी भी बोल रहे, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनके पास मैंने परफेक्ट काम लेने की कोशिश की, तो उनको मैं एग्रेसिव में हो जाती हूँ, पर जिनके काम किए वो आज भी मुझे भगवान भी मानते, मैं हूँ नहीं बल्कि, पर उनकी दया दृष्टि से वो मुझे ब्लेसिंग से ऐसे बोलते कि नहीं आप हमारे भगवान हो, तो दोनों पहलू होते हैं। और आप जितना परफेक्ट और अच्छे सेवा का काम भी करो, तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ कि ऐसे नहीं कि चलो मैंने दे दिया, हाँ मैंने कर दिया, मैंने भिखारी को भी, नहीं वो सेवा नहीं है। एक्चुअली उसकी नीड क्या है, वो नीड को समझना, उसमें वक्त देना और वो नीड को परफेक्ट तरीके से पूरा करना, वो एक जिद्दीपना समझिए, एग्रेसिवनेस समझिए या जो भी समझिए, पर उससे मुझे सेल्फ सुकून मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। और मैं अभी भी सेवा का काम कर रही हूँ, मैं चुपके ही करती हूँ, आपको भी पता है, आप काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा है कि आज कुछ नहीं होते हुए आज लीगली मेरी 300 करोड़ की एसेट है। तो मैंने कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छे बुरे काम करके ही हम पहुंचे होते हैं। मैं अपने अच्छे काम भी बताना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज अपने रूल्स के खिलाफ काम किए होते हैं, पर उसको कहीं ना कहीं हम सर्वर करना चाहिए हमें। और बस यही सोचती हूँ कि हम जितना झुकेंगे, जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ मैं कि एक पेड़ होता है उस पर जब आम लगते हैं ना, जो फल देने वाला पेड़ होता है ना वो हमेशा झुक के रहता है, और जो खड़ा पेड़ रहता है ना जो झुकता नहीं है, उसको आप कभी झुकाने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो टूट जाएगा। तो मुझे टूटना नहीं है, मुझे, मैं झुकना है, मुझे भगवान ने एक, मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे ये बुद्धि दी, ये सद्बुद्धि दी कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा पुण्य पुकार रहा है मुझे, और मुझे इसको और आगे लेके जाने के लिए हमेशा झुक के रहना है। कहीं ना कहीं मैं गलत हो भी जाती हूँ, पर होने के बाद भी मैं वहाँ जाके वो इंसान को सॉरी भी बोलती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और भगवान मुझे हमेशा ऐसी शक्ति और बुद्धि दे कि मैं लोगों की सेवा जितनी हो सके करूँ,
और इतनी ताकत दे और आप जैसे भाई दे कि जो मुझे कहीं ना कहीं गाइड भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे गाइड करेंगे, तो मैं मेरी पूरे एफर्ट, मेरी ये लाइफ मिली है उसके पूरे एफर्ट जीव तब तक लगाऊंगी कि मैं लोगों की सेवा में करूं और लोगों के सजेशन को एक्सेप्ट करूं और उसमें आगे बढ़ूं। मानव सेवा ही परम धर्म, ऐसा कहना है मेघना मैडम जी का, तो इनका ये, इनकी तरफ से एक सीख हमको मिली आज के अगर आप काबिल हैं, लायक हैं, नहीं भी हैं, मेहनती हैं और आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद ही शुरुआत करें, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। उल्लासनगर दर्पण न्यूज से कैलाश मटाई, विजू, प्रिंस विजू के साथ, धन्यवाद।